एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है दो बिंदुओं P जिसके निर्देशांक 2, 3, 4 है और Q जिसका निर्देशांक 4, 1, -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो किसी भी दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक दिए हो या जिनकी स्थित सदिश दिए हो उनको किसी भी अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु की स्थित सदिश हम लोग निकालना जानते हैं। तो मध्य बिंदु का मतलब होता है कि P और Q को 1:1 में विभाजित कर रहा होगा। तो P हम लोग ये ले लेते हैं 2, 3, 4 और Q हम लोग ये लेते हैं 4, 1, -2। इस पे कोई बिंदु R है जो मध्य बिंदु कब होगा, जब इसका अनुपात क्या होगा, 1:1। अब हमको बिंदु R का स्थित सदिश चाहिए। तो जो खंड सूत्र से हमको पता है कि किसी भी दो बिंदुओं को 1:1 या किसी भी अनुपात में विभाजित करने वाला फार्मूला और अंतः विभाजित है, तो ओ आर इक्वल टू हमारा ये फार्मूला अंतः विभाजन का एम बी प्लस एन ए अपान एम प्लस एन, और यहाँ पे एम बराबर एन बराबर 1 है, तो जो ओ आर हो जाएगा वो बी प्लस ए बाई 2। अब बिंदुओं के निर्देशांक पता है तो हम लोग स्थित सदिश आराम से लिख सकते हैं, जो ओ पी हमारा हो जाएगा ओ पी वेक्टर 2i + 3j + 4k, ओ क्यू वेक्टर हमारा हो जाएगा 4i + j - 2k। तो अब हमारा बिंदु R का स्थित सदिश ओ आर बराबर 1 × OP यानी 2i + 3j + 4k + 1 × 4i + j - 2ky 1+1। ये हमारा हो जाएगा 2i 4i मिलके 6i और 3j और j मिलके 4j और 4k - 2k हो गया 2k/2। ये हमारा ओ आर हो गया। इसको दो कामन कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 3i + 2j - k, यानी जो बिंदु R का निर्देशांक स्थित सदिश हो गया 3i + 2j - k। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि अब यहाँ पे हमेशा आपको चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर P और Q के स्थित सदिश ना देके निर्देशांक दिए हैं तो तुरंत आप स्थित सदिश लिखेंगे xi + yj + zk से, और फिर ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। दर्शाइए कि बिंदु A, B और C जिनके स्थित सदिश क्रमशः a = 3i - 4j - 4k एंड b = this एंड c = this है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखिए हमको क्या दिया है, तीन बिंदु A, B, C दिए हैं और जिनके स्थित सदिश हमको पता है। तीन बिंदु A, B, C के स्थित सदिश हमको पता है। A का है हमारा 3i - 4j - 4k और B का हमारा है 2i - j + k और C का हमारा है i - 3j - 5k। तो कहीं पे हमारा मूल बिंदु O रहा होगा, उसी के सापेक्ष ये स्थित सदिश दिया होगा। ये ओ ए ओ बी ओ सी इसी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश रहा होगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी हमको पता है तो इससे हम लोग ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं, बी सी वेक्टर निकाल सकते हैं और सी ए वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो ए बी वेक्टर हो जाएगा किसी भी वेक्टर को उसके प्रारंभिक और अंत बिंदुओं के स्थित सदिश के रूप में हमेशा लिखा जा सकता है ab = OB - OA। ये आप जो है यहाँ से त्रिभुजों के योग का नियम भी लगा सकते हैं कि ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया तो इस त्रिभुज में OAB में OA + AB = OB हो जाएगा, तो AB = OB - OA। तो हमेशा आप ये लिख सकते हैं। तो AB वेक्टर हमको पता चल जाएगा, BC वेक्टर पता चल जाएगा, CA वेक्टर, फिर का हम क्या करेंगे, AB लेंथ निकाल लेंगे, BC लेंथ निकाल लेंगे और CA लेंथ। अगर ये समकोण त्रिभुज
बनाते होंगे तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर अगले दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो और बी सी बराबर हमारा हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, और सी ए हमारा हो जाएगा ओ ए माइनस ओ सी। तो अब ये हम लोग निकाल लेते हैं, ओ ए हमारा क्या है, ए बिंदु का स्केच सदिश क्या है, थ्री आई माइनस फोर जे माइनस फोर के। ओ बी हमारा क्या है, बिंदु बी का स्केच सदिश टू आई माइनस जे प्लस के। सी बिंदु का स्थिर सदिश ओ सी हमारा क्या है, आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के। अब ए बी वेक्टर हम लोग निकालते हैं, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी हमारा क्या है, टू आई माइनस जे प्लस के माइनस ओ ए थ्री आई माइनस फोर जे माइनस फोर के। यहाँ से हमारा हो जाएगा टू आई माइनस जे प्लस के माइनस थ्री आई, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फोर जे प्लस फोर के। तो ए बी वेक्टर हमारा हो गया टू आई माइनस थ्री आई हो गया माइनस आई, और माइनस जे प्लस फोर जे प्लस थ्री जे, और प्लस के और फोर के मिलके फाइव के। यहाँ से हमारा जो ए बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड यानी ए बी लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो वन प्लस नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव, तो ये हो गया अंडर रूट थर्टी फाइव। अंडर रूट थर्टी फाइव ए बी वेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। बी सी वेक्टर हम लोग निकालते हैं, बी सी वेक्टर हमारा क्या होगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ओ सी हमारा कितना है, आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के, आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के। और ओ बी हमारा क्या है, टू आई माइनस जे प्लस के। अब माइनस से हम लोग अंदर गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के माइनस टू आई प्लस जे माइनस के। तो बी सी वेक्टर हमारा हो गया, आई से माइनस टू आई गया माइनस आई, माइनस थ्री जे और प्लस जो ये माइनस टू जे, और माइनस फाइव के माइनस सिक्स के। तो बी सी का जो मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा, आई के गुणांक का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया वन, और ये फोर फाइव और थर्टी सिक्स, ये अंडर रूट फोर्टी वन हो गया। तो ए बी बी सी मिल गया हमको। अब हम लोग सी ए वेक्टर निकाल लेते हैं अपना, सी ए वेक्टर हमारा हो जाएगा ओ ए माइनस ओ सी वेक्टर। ओ ए हमारा कितना है, थ्री आई माइनस फोर जे माइनस फोर के। और ओ सी हमारा क्या है, आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के। सी ए इक्वल टू थ्री आई माइनस फोर जे माइनस फोर के माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के। तो यहाँ से हमारा सी ए वेक्टर हो गया, थ्री आई से आई गया टू आई माइनस फोर जे प्लस जे माइनस जे माइनस फोर के प्लस फाइव के प्लस के। तो सी ए का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें तो आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के का गुणांक का स्क्वायर, चार दो छः। तो ए बी का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, यानी जो ए बी साइड है उसका लेंथ हमारा क्या आया था, ए बी का हमारा आया था अंडर रूट थर्टी फाइव। ए बी लेंथ हमारा क्या था, अंडर रूट थर्टी फाइव, और बी सी हमारा क्या था, अंडर रूट फोर्टी वन। ए बी हमारा अंडर रूट थर्टी फाइव, बी सी हमारा अंडर रूट फोर्टी वन, और सी ए जो लेंथ हमारा आया वो अंडर रूट सिक्स। अब हम लोग सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है, बी सी। तो बी सी का स्क्वायर करें, बी सी का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट फोर्टी वन का स्क्वायर, ये बराबर क्या होगा, इकतालीस। अब दोनों भुजाओं का जो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग करते हैं, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस
सी ए का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 35 का होल स्क्वायर, और उसका हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर, तो ये 35 प्लस 6 इक्वल टू 41। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, अतः त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस थ्योरम के विपरीत के नियम से। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 17 नंबर। अब हम लोग करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर है कि त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्न में से कौन सा सत्य कथन नहीं है। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। ये पहला हमारा क्या कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो वेक्टर, इसको हम लोग चेक करते हैं पहले। तो ये हम लोग नया फिगर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया ये ए बी, ये बी सी और ये ए सी। अब देखिए ये हमारा बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे अगर हमारा ए सी वेक्टर ये है ए से सी की दिशा में, तो सी ए वेक्टर हमारा ये होगा। अब त्रिभुजों के योग से नियम से हम लोग जानते हैं कि अगर अगर आप जो है कोई जो है ऐसा जो तीन सदिश मिलके जो है एक बंद त्रिभुज बना रहे हैं और तीनों का आर्डर एक ही हो, क्रम देखिए ए बी वेक्टर की दिशा क्या है घड़ी के विपरीत दिशा में, बी सी वेक्टर की दिशा भी क्या है घड़ी के विपरीत दिशा में, और सी ए वेक्टर की दिशा भी क्या है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इन तीनों वेक्टर का योग क्या होगा जीरो होगा। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। या आप इसी बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा ए बी वेक्टर है, ये हमारा बी सी वेक्टर है, तो पहले वेक्टर ए बी के अंतिम बिंदु पर दूसरे वेक्टर बी सी का प्रारंभिक बिंदु है, तो दोनों का योग हो जाएगा पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला वेक्टर। यानी त्रिभुज ए बी सी में हम लोग कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर, ये तो हम लोग कह ही सकते हैं त्रिभुजों के योग नियम से। और हम लोग जानते हैं जो ए सी वेक्टर या किसी भी वेक्टर का जब माइनस करते हैं ये तो हम लोग ये क्या हो जाता है ये पॉइंट बदल जाता है। ए सी वेक्टर को हम लोग माइनस सी ए वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी वेक्टर हमारा ये अगर होगा तो सी ए वेक्टर हमारा ये होगा सी ए वेक्टर। तो अगर हम लोग सी ए वेक्टर में माइनस लगा दें तो ये फिर क्या हो जाएगा ए सी वेक्टर हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी की जगह हम लोग क्या लिख दें माइनस सी ए वेक्टर, तो ये इधर आके ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो पहला हम लोगों का क्या हो गया सत्य हो गया, पहला सही हो गया। तो अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो है तो सी ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ए सी, तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। देखिए ए बी प्लस बी सी, ये तो यही है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो यही हमारा ए बी, इसको ए सी को इधर ले जाइए आप तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा हमारा, और ए सी को इधर ले जाएंगे तो माइनस ए सी बराबर जीरो, तो ये हमारा दूसरा भी सही हो गया। फिर ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो, तो माइनस ए सी बराबर जीरो है तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि ये हमको पता है बेसिक चीज़, हमको ये पता है कि ए बी प्लस बी सी या यही पहला वाला ही हम लोग ले लें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो, ये तो हमारा सही है।
अब इसमें क्या यहाँ पे क्या बदला है, थोड़ा सा इसमें BC की जगह माइनस CB लिखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि BC वेक्टर को अगर आप बदलेंगे तो इसको माइनस CB वेक्टर लिख सकते हैं, तो माइनस CA इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, BC वेक्टर बराबर माइनस CB वेक्टर, क्योंकि आप हमेशा किसी भी वेक्टर AB को आप माइनस BA वेक्टर लिख सकते हो। तो यहाँ पे BC के AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू जीरो था, तो BC की जगह हम लोगों यहाँ पे माइनस CB लिख दिया, तो ये भी हमारा सही हो गया। तो थर्ड को छोड़ के बाकी सब सही है। और ये हमारा त्रिभुजों के योग का नियम, AB प्लस BC इक्वल टू AC, जो मेन ये है, इसी से सारे के सारे निकल रहे हैं। और एक पॉइंट ये यूज हो रहा है कि कोई वेक्टर जो AC होगा उसको माइनस CA वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। तो 18 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। 19 नंबर, यदि A और B दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा के समांतर, एक ही रेखा के समांतर, ठीक है। ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया, तो ये दोनों क्या हैं, संरेख हैं। यह हमारा ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया, ये भी क्या है, संरेख हैं। संरेख क्यों हैं, क्योंकि ये एक ही रेखा के समांतर हैं। तो इस तरीके की कंडीशन बन सकती है, AB संरेख हैं, यानी संरेख सदिश होंगे तो उनकी दिशा समान भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। A और B संरेख हैं, सदिश A और सदिश B संरेख हैं। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए किसी अदिश लेमडा के लिए। तो कोई ना कोई अदिश आपको मिलेगा लेमडा, जिसमें अगर आप ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों की दिशाएं विपरीत होगी तो लेमडा की वैल्यू ऋणात्मक होगी। तो पहला तो हम लोगों का सही हो गया, ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये हमारा गलत है, क्योंकि ए इक्वल टू ये हमेशा नहीं होगा, ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमेशा A इक्वल टू प्लस माइनस B नहीं होगा। A और B के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं हैं, A और B के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं हैं। तो A और B वेक्टर अगर संरेख हैं तो उनके क्रमागत घटक समानुपाती होते हैं, तो सही नहीं है, ये भी कथन हमारा सही नहीं है। दोनों सदिश A तथा B की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है, ये हमारा क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि दिशा यहाँ पे क्या है, दिशा विपरीत है और यहाँ पे दिशा समान है। तो दो सदिश अगर A और B संरेख हैं तो जरूरी नहीं है कि उनकी दिशा समान हो। तो इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि दो संरेख सदिश हैं तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए किसी अदिश लेमडा के लिए, ये कथन हमारा क्या है, सही है, ये कथन सही है। ये क्या है, ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये हमारा गलत है, क्योंकि ए इक्वल टू हमेशा प्लस माइनस भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। क्रमागत घटक क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। दोनों सदिशों की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है, ये भी गलत है। जो अगर दोनों दो वेक्टर ए और बी संरेख हैं तो दिशा समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गया।